आइए दोस्तों, आज आपके लिए बहुत सारे स्मार्टफोन्स लेके आया हूँ और अलग अलग बजट यहाँ पर हम उठाएंगे। अगर आपकी बजट 20,000 और 35,000 के बीच में, काफी सारे इंटरेस्टिंग 5G फोन्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, सबसे पहला स्मार्टफोन उठाते हैं iQOO का Z7 Pro। हाल ही में लॉन्च हुआ है, इंटरेस्टिंग प्राइस पर आया है। इसमें आपको कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, Dimensity 7200 चिपसेट है, अच्छी चिपसेट है, 4nm पर बेस्ड है, LPDDR4X UFS 2.2, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको अलग से मिलता है, 64 मेगापिक्सल कैमरा है, सैमसंग सेंसर है जिसमें आपको OIS मिलता है, बट सैडली कोई अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 4600 mAh की बैटरी, 66 वॉट चार्जिंग, तो चार्जिंग यहाँ पर काफी फास्ट आपको मिलती है, एंड्रॉइड 13 फन टच OS और 2 साल के अपडेट्स, यानी कि एंड्रॉइड 15 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8/256 दो वेरियंट है, जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 24,000, अभी फिलहाल के लिए वो 2,000 ऑफ भी दे रहे कार्ड पर, तो जो इफेक्टिव प्राइस है वो 22,000 तक हो जाती है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। फिर आता है मोटोरोला का Edge 40 Neo। हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है, बढ़िया स्मार्टफोन है, 6.6 इंच फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले है, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया और 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। डिजाइन भी बहुत प्रीमियम है, वीगन लेदर पैंटोन वाली उनका जो लेबल भी यहां पर दिया गया है, बहुत ही ज्यादा लाइट और स्लिम आपको मिलता है, और साथ ही साथ Dimensity 7030 लेटेस्ट 5G चिपसेट, और उतना ही नहीं आपको 5000 mAh की बैटरी, 68 वॉट की चार्जिंग, 50 का कैमरा, OIS है, आपको एक अल्ट्रावाइट सेंसर भी मिल जाता है, और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, स्टॉक एंड्रॉइड, 2 साल की अपडेट्स भी आपको यहां पर मिलेंगे, 8/128 सिर्फ 20,999 21,000 जी हां, और 12/256 भी आपको जो है वो अंडर 25,000 ही मिलता है। एक बहुत ही अच्छा पैकेज है मोटोरोला की तरफ से, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। Infinix Zero 35G, इसको मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, ये भी अंडर 25,000 कैटेगरी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, जी हाँ रिफ्रेश रेट और ज्यादा आपको मिलती है, और यहाँ पर भी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें भी आपको लेदर बैक वाला वेरियंट मिलता है जो बहुत बहुत प्रीमियम लगता है। वैसे Dimensity 8020 6nm वाली चिपसेट, LPDDR4X और UFS 3.1, यहाँ पर आपको UFS स्टोरेज अच्छी मिलती है, 108 मेगापिक्सल कैमरा है जिसमें आपको OIS मिलता है, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया गया है, और 50 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी, कैमरा सेटअप इसका अच्छा है, फोटोज भी बहुत अच्छे निकल कर आए थे, हमने अनबॉक्सिंग में सब कुछ बताया है, 5000 mAh की बैटरी, 68 वॉट की चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग दोनों कमाल की है, एंड्रॉइड 13 बस 1 साल का अपडेट आएगा, ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है, मतलब एंड्रॉइड 14 तक मिलेगा, 15 का कोई श्योर नहीं है, बाकी 8/256 12/256 दो वेरियंट से, और 24,000 से स्टार्ट होता है। ओवरऑल बहुत ही प्रीमियम फोन है, और दोनों ही फोन iQOO Z7 Pro और Infinix Zero 5G जो आपको अभी 35G बताया, बहुत ही स्लिम भी है, फॉर्म फैक्टर भी इनका काफी अच्छा है, इधर उधर फोन अगर आपको ठीक लगता है आप चूज कर सकते हैं। फिर आता है Google Pixel 6a, पुराना फोन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा स्मार्टफोन है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जहां पर आपको अपडेट्स सबसे पहले इन फोन में देखने को मिलेंगे और कैमरा सेटअप बहुत ही अच्छा मिलता है। वैसे OLED डिस्प्ले मिलती है फुल HD प्लस वाली, स्क्रीन साइज भी छोटी है, जिसको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो 6.1 इंच की आपको उसमें डिस्प्ले मिलती है, बट 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, साथ ही साथ आपको Google की टेंसर चिपसेट मिलती है 5nm वाली, फोन थोड़ा हीट होता है और इसके थ्रॉटलिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, हमने बताया था अपने वीडियो में, LPDDR5 UFS 3.1, ये चीज बहुत अच्छी है। ये फोन वैसे हमने नोटिस किया कि हैंग ज्यादा नहीं करता है, 12.2 मेगापिक्सल कैमरा है रियर में, अल्ट्रावाइट सेंसर भी साथ में है, और 8 मेगापिक्सल सेल्फी, अच्छा कैमरा बहुत अच्छा है, हमने इसका जितना भी टेस्ट किया अभी तक कैमरे के रिजल्ट्स हमने देखा बहुत इंप्रेसिव थे, 4410 mAh की बैटरी है और 18 वॉट चार्जिंग है, चार्जिंग बहुत कम है क्योंकि जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा कम है, एंड्रॉइड 12 3 साल के अपडेट्स होने वाले, तो एंड्रॉइड 15 तक आपको उसमें अपडेट्स मिलेंगे, तो फोन अपडेटेड रहेगा, 6/128 जो भी फिलहाल के लिए इसकी जो प्राइस है वो 26,000 है। अगर आपको गूगल के फोन्स पसंद है, कॉम्पैक्ट फोन पसंद है, स्टॉक एंड्रॉइड और अगर बेहतर कैमरा चाहिए तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए हो सकता है। फिर आता है मोटोरोला एज 40। हाल ही में दोस्तों लॉन्च हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है मोटोरोला की तरफ से, कॉम्पैक्ट साइज मिलती है 6.5 इंच की, मतलब मैं इसको भी ज्यादा बड़ा नहीं बोलता हूं, 6.55 मुझे परफेक्ट लगता है, आपको फुल HD प्लस वाली एक POLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और ये कर्व्ड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अलग से दिया गया है और IP68 रेटिंग्स मिलती है जो इस प्राइस पे काफी रेयर होता है, ज्यादातर हमें सैमसंग के फोन्स में मिलता है लेकिन मोटोरोला ने भी दिया है, Dimensity 8020 6nm वाली चिपसेट, LPDDR4X और UFS 3.1 आपको यहां पर भी मिलता है, 50 मेगापिक्सल कैमरा जिसमें OIS है और 13 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रावाइट सेंसर, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, कैमरा इसका अच्छा है, हमने टेस्टिंग किया है, 4400 mAh की बैटरी, 68 वॉट की टर्बो चार्जिंग भी मिलती है, चार्जर वगैरह सब बॉक्स में मिलता है अपार्ट फ्रॉम सैमसंग फोन्स, बाकी सब बॉक्स में चार्जर देते हैं, एंड्रॉइड 13 पर आया है ये, इसमें 2 साल की अपडेट्स यानी कि एंड्रॉइड 15 भी आपको मिल जाएगी, 8/256 30,000 ऑफर मिल रहे बैंक का कुछ 1-2 हज़ार, तो ये इफेक्टिव प्राइस और भी कम हो जाती है, एक अच्छा पैकेज है मोटोरोला की तरफ से, हमने इसका एक्सट्रीम टेस्ट भी किया था, आई थिंक आपको वीडियो यहां पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं।
फिर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन OnePlus Nord CE3। इसमें Snapdragon 782 ये पहला चिपसेट है अभी भी इस फोन में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा है। इसके थ्रॉटलिंग वगैरह सब कुछ मुझे देखा, बहुत अच्छा लगा। 6 nm पर बेस्ड है, LPDDR4X UFS 3.1, ये सब कुछ बढ़िया मिलता है। 5000mAh बैटरी, 80W की चार्जिंग है। साथ ही साथ आपको इसमें 6.7 inch बड़ी डिस्प्ले, फुल एच डी प्लस की AMOLED 120Hz की हायर रिफ्रेश रेट, फ्लैट डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया। उसी के साथ आपको इसमें 50MP सोनी IMX890 सेंसर, अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया गया और 16 की सेल्फी, ऑक्सीजन ओएस चलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा एंड्रॉइड 13 और 2 साल की अपडेट्स मतलब एंड्रॉइड 15 तक आपको अपडेट्स मिल जाएगी। 8128 12256 प्राइस स्टार्ट होती है 27000, ऑफर पर कभी कभी 25 पर भी मिल जाता है। जितने भी फोन्स बता रहा हूँ सबके हमने वीडियो बनाया, तो इधर कार्ड मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फिर आता है नथिंग फोन 1, जी हाँ, अंडर 30000 कैटेगरी पर अब आ चुका है। फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसमें नथिंग ओएस 2 का भी अभी हाल ही में अपडेट आया है। ओवरऑल आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा, ग्लिफ लाइट वगैरह है, खैर वो गिमिक रहता है लेकिन जिस लोगों को पसंद आता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 778G प्लस, बहुत ही अच्छी स्टेबल चिपसेट, LPDDR5 UFS 3.1, 4500mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग, 50 का OIS कैमरा दिया रियर में और 50 का अल्ट्रावाइड और 16MP सेल्फी। कैमरा इसका थोड़ा अच्छा है, मतलब नथिंग फोन 2 से तो कंपेयर करो तो मुझे ये थोड़ा ठीक लगा। बाकी एंड्रॉइड 12 और 3 साल की अपडेट्स, तो एंड्रॉइड 15 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे और 8128 8256 12256, बहुत सारे वेरियंट्स हैं लेकिन जो प्राइस स्टार्ट होती है बेस की वो 29000 के आसपास है, तो अभी भी प्राइस कभी कभी सेल पर 27 भी चला जाता है। अच्छे समय का इंतजार करिए, अगर आपको लगता है कि 27 28 पर मिलता है तो एक अच्छा पैकेज है जो कि अपडेटेड भी रहेगा, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वाले फोन को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि कभी कभी ये फोन बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन, काफी पुराना फोन है लेकिन बहुत अच्छा है और अभी भी इसमें अपडेट्स मिलेंगे आपको। जब ये फोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 11 पर था, आप 3 साल के अपडेट्स की सैमसंग ने बात किया था, तो एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट आपको उसमें मिल जाएगा। फुल एचडी प्लस वाली 120Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, डिस्प्ले साइज भी अच्छी है 6.5 inch और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ आपको इसमें स्नैपड्रैगन 865 मिलता है, पुराना फ्लैगशिप चिपसेट लेकिन स्टेबल है, 7nm वाला LPDDR5 और UFS 3 आपको मिलता है। वैसे कैमरा सेटअप बहुत ही किलर है, 12 मेगापिक्सल का है पीछे सेंसर, एक टेलीफोटो सेंसर भी 8 मेगापिक्सल और आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। यहाँ पर कैमरा अगर आप उससे पूछते बेस्ट कैमरा फोन रेकमेंड करिए अंडर 30000, मैं यही वाला फोन करूंगा क्योंकि सेल्फी में भी 4K और फोटोज वीडियोस क्वालिटी सब कुछ बढ़िया निकल कर आती है। 4500mAh की बैटरी, 25W चार्जिंग, हो सकता है इसमें आपको चार्जर ना मिले क्योंकि पुराना फोन है, शायद तभी सैमसंग देता होगा लेकिन अभी मुझे लगता है कि चार्जर शायद आपको नहीं मिलेगा। और ये आपको 128GB रैम 128GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है अलग अलग वेरियंट से, लेकिन प्राइस अभी 30000 की है, प्राइस कभी कभी कम भी हो जाती है। एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया कैमरा, ब्रांड वैल्यू सब देखकर मैं बोलूं, इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं अंडर 35000 कैटेगरी पर, तो यहाँ पर आपने प्रेडिक्ट कर ही लिया रहेगा, दो ही फोन्स अभी जो हाल ही में लॉन्च हुए जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, दोनों की अपनी अपनी कमियां और खूबियां है। पहला है OnePlus का Nord 3, इसमें आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज़्यादा आपका अच्छा होगा, बिल्ड भी यहाँ पर आपको थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। 6.74 inch की 120Hz की इसमें AMOLED डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, Dimensity 9000 जो कि 4nm वाली चिपसेट, LPDDR5X UFS 3.1, ये सब कुछ तगड़ा मिलता है। हमने सब पर टेस्टिंग किया है, हमारे वीडियोज़ की लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 50MP कैमरा, IMX890 सेंसर, OIS है, अल्ट्रावाइड सेंसर भी है और 16 की सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी, 80W चार्जिंग, ऑक्सीजन OS 13 इसमें चलता है और एंड्रॉइड 13, यानी कि 3 साल के अपडेट्स मिलेंगे तो एंड्रॉइड 16 तक आपको अपडेट्स इसमें मिलेंगे जो अच्छी बात है। 8128 34000 इसमें हाईर वेरियंट भी 16GB वाला जो 38 तक आपको मिल जाता है, वैसे ऑफर पर कभी कभी 2-3000 ऑफ रहता है तो प्राइस और भी कम हो जाती है। फिर आता है iQOO Neo 7 Pro, अगर आप एकदम गेमिंग में इन्वॉल्व है तो ये एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन मैं से बोल सकता हूँ, जिसमें Snapdragon 8 Plus Gen 1 आपको एक इंटेलिजेंट या इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप मिलती है और साइड बार दिया है, जायरोस्कोपिक फीचर सब कुछ मिलता है जिससे आप अपने गेम प्ले को और एनहांस कर सकते हैं, फ्रेम रेट इंटरपोलेशन होता है, सब कुछ होता है। एनीवेज आपको डिस्प्ले भी अच्छा, फुल HD+ AMOLED 120Hz हाई रिफ्रेश रेट और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर भी है। साथ ही साथ LPDDR5 UFS 3.1, आपको फोन में हैंग लैग ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 50 का कैमरा जिसमें OIS है, सैमसंग सेंसर, कैमरा भी अच्छा, हमने OnePlus से कंपेयर किया तो काफी टक्कर दिया था। 8 का अल्ट्रावाइड, 16 की सेल्फी, 5000mAh बैटरी, 120W चार्जिंग, ये दोनों चीज बहुत अच्छी है, दिखने में भी फोन बहुत अच्छा है, इसका जो लिमिटेड एडिशन जो ऑरेंज कलर वाला लेदर वाला है बहुत ही प्रीमियम लगता है। उसी के साथ एंड्रॉइड 13, फ्रंट टच ओएस 13, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है लेकिन ओवरऑल आपको इसमें 2 साल के अपडेट्स मिलेंगे तो एंड्रॉइड 15 तक अपडेट्स आ जाएंगे। 8128 12256, इसमें दो वेरिएंट से 35000 से स्टार्ट होता है, ऑफर पर कभी कभी 33 तक 32 तक मिल जाता है। ओवरऑल एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। देखिए दोस्तों ये फोन अच्छा लगा इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। कभी कभी ये फोन एज लो एज 25,000 तक मिलता है, अभी तो 28 का है लेकिन 25 पर आपको मिलेगा, उस दिन इसको परचेज करना, अभी मत करना। जहाँ पर सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अंडर डिस्प्ले नहीं है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900, एक बहुत ही स्टेबल बढ़िया चिपसेट है 6nm वाली, LPDDR4X UFS 2.2, 108 मेगापिक्सल कैमरा है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, वैसे इसमें अल्ट्रावाइड सेंसर भी है, कैमरा बहुत अच्छा है। 25,000 की रेंज में अगर ये आता है तो मैं आपको इसको बेस्ट कैमरा बोल सकता हूँ। 5000 mAh बैटरी, 25W चार्जिंग, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं है। एंड्रॉइड 12 पर आया था तो 2 साल के अपडेट्स की बात हुई थी, तो एंड्रॉइड 14 भी आपको मिल जाएगा। 8128 फिलहाल के लिए 28,000 है, कभी कभी 26,000 तक 25,000 तक आता है उस प्राइस रेंज पर। अगर आपको एक सैमसंग का ब्रांड वाले फोन चाहिए विद बेस्ट कैमरा, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारे बढ़िया बढ़िया 5G फोन्स थे, ज्यादातर मैंने जितने भी फोन्स बताया वैल्यू फॉर मनी है, सबकी अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको चूज कर सकते हैं। और सारे फोन्स की हमने अनबॉक्सिंग किया है, रिव्यूज किया है, तो लिंक्स सारे साकिब को बोलूंगा भाई को कि वो आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे देगा, तो आप लेने से पहले वहां पर जाकर चेकआउट करो, फिर अपना डिसीजन आप वहां पर मतलब जो भी है कर सकते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।